good morning. चिकालिया सुबह सुबह मैं तो बात भी नहीं करूंगा, थोड़ी स्मेल थोड़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। देखिए जी, मेरा दोस्त है, इसके पास बड़ा अच्छा आइडिया था। इसने कहा कि काकीनाड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिशिंग विलेज है, फिशिंग रीजन है। काकीनाड़ा बीचेस पे आपको बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। अगर आप उपड़ा बीच पे आएंगे सुबह सुबह तो शिप्स उतार रही होंगी, बोट्स उतार रही होंगी, मछलियाँ बड़ी बड़ी, कोई शार्क, कोई सेल फिश, कोई ट्यूना, हजारों किस्म की मछलियाँ। तो हम आ गए, मैंने बात मान ली इनकी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वेजिटेरियन लोग मीट के बारे में कुछ नहीं जानते। एक टाइम होता था तो ये सारी बोट्स थी, कभी कभी दिन में एक नहीं दो नहीं तीन तीन ट्रिप मारती थी, थोड़ा सा पानी बाहर कैच लेके अंदर आती थी और फिर वो सारा फिश मार्केट में जाता था। अब सारी खड़ी हैं। तो इसका दो या तीन जो है इसके कारण है, नंबर वन क्लाइमेट चेंज, नंबर टू कहते हैं कि बहुत सारा प्लास्टिक वगैरह की वजह से बहुत सारी जो फिश स्पीसीज हैं वो और बाहर भाग रही हैं पोल्यूशन की वजह से, एंड नंबर थ्री क्योंकि डीजल प्राइसेस जो हैं बहुत बढ़ गए हैं तो अब इनको थोड़ा कम रहना पड़ रहा है। लेकिन अब आप सोचिए कि जब आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में और आप ये फ़िश ऑर्डर करते हैं और आप फ़िश का मज़ा लेते हैं अलग अलग मसाले में करी में, तो उसके पीछे कितनी एफर्ट जाती है किसी की, मतलब फिशरमैन की लाइफ कितनी हार्ड है। बिल्कुल, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, उनकी फैमिलीज पलती बढ़ती हैं, आपकी एक मच्छी खाने से लाखों लोगों का फायदा होता है, तो खाते रहिएगा। लेकिन बड़े रिस्पॉन्सिबली फिशिंग करने की ज़रूरत है। इस टाइम ये भी सिचुएशन है कि बे ऑफ बंगाल में एक बहुत बड़ा लो प्रेशर एरिया बढ़ा हुआ है, मतलब एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है जो चेन्नई में बहुत सारी बारिश लेके आ रहा है। तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर कई जगहें बंद हो चुकी हैं, फ्लड वार्निंग्स आ चुकी है, उसकी वजह से भी कई बोट्स यहाँ पर हैं। बहरहाल सिचुएशन ये है कि फ़िशिंग बड़ी कम है, लेकिन हम क्योंकि आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालते हैं, इसलिए हमने ढूंढा आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त फिशिंग सिचुएशन। आइए ये देखिए कितनी विशाल मच्छियाँ इस बाल्टी के अंदर लोगों ने पकड़ी हुई हैं। ओह माय गॉड, फिशी फिशी। तो देखा, अब आगे बढ़ते हैं और मच्छी पकड़ते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी मच्छियाँ आगे हैं। जरूर जरूर। बहुत ज्यादा भूख लगी है रॉकी भैया, पता नहीं कहाँ है, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कहाँ है रॉकी भैया? मैं आ गया हूँ, तू यही वेट कर, इतनी मच्छी ले गया तो दोनों मिलके खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मच्छी मेरे लिए, मैं क्या आऊंगा? मेरे होते हुए मेरा दोस्त भूखा रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैंने इंतजाम किया है मयूर के ब्रेकफास्ट का, और देखिए क्या शानदार इंतजाम है। तो आइए पास, हम बनाने लगे हैं चिंग्स सीक्रेट जस्ट सोक होल व्हीट हाका नूडल्स, क्योंकि मयूर को ये बहुत पसंद है। और इसकी खास बात क्या है, होल व्हीट यानी कि 98% आटा, जस्ट लाइक अ चपाती, मतलब बिल्कुल हेल्दी 98% आटा। तो इसको बनाने का तरीका, सबसे पहला स्टेप, पानी उबालिए, जैसा हमने उबाल लिया है गरम गरम, बीच में है इसलिए बुलबुले आपको कम दिखाई देंगे। नूडल्स आप पूरे भी बना सकते हैं या जैसे मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा तोड़ के भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे। पैकेट आप खोलिए और अपने होल व्हीट नूडल्स, वाओ लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट दैट। होल व्हीट जब बोलते हैं तो होल व्हीट का मतलब होल व्हीट होना चाहिए, ऐसा शक्ल देख के पता चलता है। और अब सिंपली उबलता हुआ पानी इसके अंदर 5 मिनट के लिए आप इसे उबलते हुए पानी में डाल के और ढक देंगे। हाका नूडल्स बनाने का नया तरीका, अब जस्ट सोक करो। और जब हमारे नूडल्स सोक हो रहे हैं 5 मिनट के लिए, उस 5 मिनट में जल्दी से हम कर लेंगे सॉटे अपना प्याज लहसुन थोड़ा सा अदरक और सब्जियां। तो वेजिटेबल्स हमारे अब सॉटे हो गए हैं, तैयार हैं। अब हम अपने नूडल्स जो 5 मिनट से सोक कर रहे हैं और ब्यूटीफुली तैयार हो गए हैं, बड़ी सिंपली इनको वेजिटेबल्स के अंदर हम इसको डाल देंगे और थोड़ा सा पानी, मैं रेकमेंड करता हूँ जिस पानी में आपने नूडल्स सोक किए थे उसी पानी को डालें थोड़ा सा, तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिंग्स चाउमीन हाका नूडल मसाला और फिर इसे 2 या 3 मिनट तक स्टर फ्राई और करेंगे। और ख़ास बात इस मसाले की यह है
कि ये पूरा एक कंप्लीट मसाला है, तो इसमें सॉल्ट या और कुछ डालने की आपको ज़रूरत नहीं। बस डालिए, थोड़ा सा मिक्स कीजिए, आहा गरम गरम गरम, और इसे स्टर फ्राई होने दीजिए। बस अब नूडल्स ऑलमोस्ट तैयार, 2-3 मिनट का और पेशेंस और मेरे दोस्त का ब्रेकफास्ट रेडी। कितना अच्छा आदमी हूँ यार मैं भाई, और मैं बीच में हूँ यार, जल्दी आते, एक सरप्राइज है। अरे तो आ तो सही ना, वेटिंग हियर। रॉकी भैया, ये क्या है? वेलकम वेलकम, बैठ यार। तेरे को क्या लगता था मैं अपने दोस्त को भूखा छोड़ दूंगा? यू मेड मी ब्रेकफास्ट। आई हैव मेड यू ब्रेकफास्ट, और बाइट लेके देख कितना डिलीशियस है, क्योंकि ये मेरे चिंग्स होल व्हीट हाका नूडल्स। आया मजा? ये तो बड़े टेस्टी हैं, बिल्कुल नॉन स्टिकी, फर्म अल डेंटे टेक्सचर है, इतनी सारी फ्रेश वेजिटेबल्स सुबह सुबह, हेल्दी। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फ्लेवर? बड़ा अच्छा यार, मसाला फ्लेवर ब्यूटीफुल यार। देखा, तेरे को क्या लगा था मैं जा रहा हूँ अपने मच्छी ढूंढने, तेरे लिए नाश्ता ही लेके आऊंगा। जब तक मैं हूँ मेरे दोस्त, तू भूखा नहीं मरने वाला। थैंक यू रॉकी भैया, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तो देखिए जी, अगर मच्छी मिले तो मच्छी अच्छी, अगर मच्छी नहीं मिले तो हमारे पास और भी कई इंतजाम है। तो आइडिया ये है, जिंदगी का मजा लेते रहिए, ये भी एक खूबसूरत जगह है, कोई फैंसी जगह नहीं, बस बीच के किनारे पत्थरों के पास आके हम लोग बैठ गए और अपने नूडल्स बना के हम लोग खा रहे मज़े से। तो काकीनाड़ा की फिशिंग स्टोरी जो है, जो इवॉल्व हो रही है अभी, उसके बारे में अगर हो सका तो हम आपको और बताएंगे, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फिशिंग एरिया है और अब फिशिंग रिटर्न्स जो है वो डिमिनिश हो रही है, तो ये थोड़ी वरिंग बात है। देखो जी, मेरे को तो कोई वरी नहीं है, मैं निकला हूँ रोड पे, और बेसिकली मैंने ये सीख लिया कि जर्नी पे ना आपको 2-3 चीज़ें चाहिए। एक कि मतलब आप निकल लो और घबराहट मत करो, कोई प्लान हो या ना हो। एंड दो, एक दोस्त जो मतलब बहुत काम आता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ड्राइविंग के लिए भी, और ऐसे न्यूट्रिशियस हैप्पी मील्स ऐसी सेटिंग में बनाने के लिए। थैंक यू रॉकी भैया। यू वेलकम, यू वेलकम। तो अब एक ही चीज़ रह गई आप सबको बताने के लिए, और वो है ये कि आपको आज क्या गैस करना है, आप बताइए। आप गैस करिए कि आज रात हम कहाँ रुकेंगे और कल सुबह करेक्ट गैसेज के लिए हम तालियां बजाएंगे। जैसे कि आज हम बजा रहे हैं, कल करेक्ट गैसेज करने वालों के लिए तालियां। ट्विटर पे है innominate_SA, यूट्यूब पे महेश बलानी, फेसबुक पे अंजन चौधरी, और इंस्टाग्राम पे अबरार शेख। थैंक यू गाइस, keep following the journey, आगे जाके कहां हम लोग पहुंचते हैं देखते रहिए है।